डेरे पे मौजूद है जी हमारे ये मुअज्ज़ज़ दोस्त जो मुजफ्फराबाद से तशरीफ लाए हैं, इनके साथ इनके दोस्त ये भी जमील साहब मुजफ्फराबाद से हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं जी जो रिटायर हुए हैं महकमा तालीम से। तो ये हमारे मुअज्ज़ज़ मेहमान हैं जी, तो अपना ये खुद ही तारफ करवाएंगे। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया अकबर भाई, बड़ी हफ्ते भी आपने, और आज हम अपने भाई अब्दुल रज़ाक नासिर साहब की तकरीब है कि रिटायरमेंट के सिलसिले में ये अपने डेरे पर रखी है, वो उसके बाद अपने डियर रवींद्र मंच को बुलाया, उसमें मुल्क नजीज को भी और अपने दोस्त जवीर साहब उनको भी याद किया, तो हमारी खुश किस्मती है आज इस तकरीब में हिस्सा बन रहे हैं, और बड़ी मोहब्बत से हमारे भाई अकबर साहब ने इस सफ़र में साथ दिया, मोहब्बत किया है, हम दोनों भाइयों का इनके सारे था गई से शुक्रगुजार हैं, मम्मू ने इनकी मौके हमारे साथ रहेगी, इसी नशस्त के साथ से इनको बाबा दावत देखें, इंशाल्लाह जरूर देखें, अपने बच्चों के साथ देखें, बार बार देखें। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का जी। जी हमारे लिए ये फख्र है जी, देखिए हमारे भाई कितनी दूर से मुजफ्फराबाद से हमारे पास आए हैं तकरीबन 12 घंटे की ड्राइविंग के बाद, तो आज हमारा खाने पीने का प्रोग्राम है जी, बस आज चिल करेंगे खाएं पिएंगे जी, तो इंशाल्लाह साहब का दिल की खातिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया, क्योंकि मेरी इससे पहले तो इस इलाके के बारे में किताबों में तो मैं पढ़ता था कि लोहिया तो जगह का नाम है, लेकिन देखने में मुझे पहली दफ़ा ये नसीब हुआ कि मैं आया, और उसके बाद मैं चूँकि रजाक साहब की वसात से इधर आया हूँ, और जो कुछ मैंने इनके बारे में पहले सुन रखा था राजा भैया साहब से, मैं कहता हूँ यहाँ आकर मुझे पता चला न सिर्फ ये खुद बल्कि इनका सारा खानदान उससे भी कई गुना अच्छा बेहतर और बहुत ही अच्छे शरीफ नफस लोग हैं, यहाँ आकर हमें बहुत राहत मिली है, मुझे बहुत खुशी मिली है, और मुझे तो बिल्कुल नेचुरल माहौल मिला है जिस तरह के मेरे अपने घर का है। फिर इसके साथ साथ जिस तरह भाई साहब ने जो कुछ बातें इनके बारे में बोली हैं, तो मैं सबको बताता हूँ, उनको उनकी तारीफ करता हूँ और उनको एंडोर्स करता हूँ, और दोबारा आप सब आपकी खासतौर पर आपकी वालदा साहब को मिला जो मैं हूँ ना, वो मुझे जो राहत मिली है, तो मेरा ख्याल है मेरे आने का जो सारा सबसे बड़ा मकसद पूरा हो गया, और घर तक मुझे उनकी राहत में मज़ा ही मज़ा आएगा, और मैं घर भी जाता हूँ, उनके बारे में बहुत सारी बातें सुनाऊँगा, अपनी मिसेस को सुनाऊँगा अपनी, और तो हमारी तरफ सच्ची बात है कोई लोगों को इतनी फुर्सती नहीं है कुछ सुनने की, लेकिन मैं अपने घर वालों को ये बातें जरूर सुनाऊँगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम। आजमाने को चलो एक साथ चलते हैं, हमें जीवन का हर लम्हा तुम्हारे नाम करना है, ये वादा भी निभाना है, चलो एक साथ चलते हैं, अल्लाह हमारे सफर को आसान भी बनाए और देर बार हम दोनों भाइयों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि बड़ी मोहब्बत दी हुई और इनकी वालदा से अच्छा अच्छी मुलाकात। एक थोड़ी सी बात मैं और ऐड कर दूं कि कल का दिन हमारे लिए दराना, मैं कहता हूँ कि किसी मुश्किल से काम नहीं थके, क्योंकि कल के जो हालात हमारे कश्मीर के थे वो इस कदर खौफनाक और ज़बरदस्त थे, बहुत ही इस किस्म की मूसलाधार बारिशें और स्लाइडिंग हो रही थी, उसके बावजूद राजा साहब घर से निकल आए, उनके पीछे पीछे से मैं भी इनके साथ भागा भागा समझो आया हूँ, और अल्लाह ताला ने हमारे पर फजल किया, शुक्र है हम सेफ जगह पर पहुँच गए, और अल्लाह करे बहुत शुक्रिया जी आपकी याद। जी अब हम अपने मोजस दोस्तों के साथ जहाँ पे खाना लगा हुआ है जी वहाँ जा रहे हैं जी, तो आज का प्रोग्राम सिर्फ है खाना पीना चिल करना दोस्तों के साथ। हाँ जी इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह चलते हैं जी, आओ। थैंक यू जी। यहाँ पे जी हमारा सिर्फ खाने पीने का प्रोग्राम है।
अभी कुछ दोस्त आए हैं, अभी कुछ दोस्त आ रहे हैं जी। दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है जी। हमारा सिर्फ प्रोग्राम है जी आज खाने पीने का, तो दोस्तों की यहाँ पे हमने दावत की हुई है। वालेकुम चौ साहब जी, मेरे बड़े भाई हैं जी। इंशाल्लाह खाना तैयार है जी, खाना लगा रहे हैं वो लोग। तो मेरे कुछ दोस्त और आ रहे हैं जी। वालेकुम सलाम जी। जरदा जी इकबाल साहब। वालेकुम सलाम जनाब। जान लिया कि नहीं? हाँ जी, क्यों नहीं। की हाल है? ठीक ठाक जी भाई जी, शुक्र शुक्र। तू हले भी थोड़े तो वा हो गया मुंडा बने फिर दस Продолжение следует...